हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। तो आज है संडे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्यू एन ए वीडियो आप सभी के लिए। जो भी आप मुझसे कमेंट करते हैं उसके कमेंट्स, अगर मैं कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाता हूँ उसके आंसर, तो मैं आपके लिए एक क्यू एन ए वीडियो बना देता हूँ संडे में, जिसमें आपके एक वीक के जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं, और मोस्टली ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चन होते हैं सबके, तो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। हो सकता है आपका भी कोई कॉमन क्वेश्चन हो, कोई कॉमन डाउट हो, तो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अपने कमेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले कमेंट के साथ। ये हमें किया है राकेश देव जी ने, ये पूछ रहे हैं हम क्या ऑयल लगा सकते हैं सोराइसिस में। तो सोराइसिस में जहाँ तक ऑइंटमेंट यूज़ करने की बात है पैचेस पे, जो आप पैचेस पे अपने जो है ऑइंटमेंट लगाते हैं, उसमें सबसे कारगर जो है ऑयल वो है कोकोनट ऑयल। यदि आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्होंने कोई ऑइंटमेंट आपको लगाने के लिए दिया है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो आप सिंपल कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिएगा। यदि आपको आपके पैचेस पे ज़्यादा इचिंग महसूस होती है, तो आप उसमें कपूर जो होता है, जो कपूर होता है जो पूजा में इस्तेमाल होता है, वो कपूर की टिक्की को लेके उसमें क्रश करके उसको मिक्स करके आप लगा सकते हैं, तो आपकी इचिंग जो होती है उसमें रिलीफ आपको मिल जाएगा। तो जितने भी लोगों का ये डाउट है कि हम जो है पैचेस पे अपने क्या लगाएं, कौन सा ऑयल यूज़ करें, तो कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है, उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनय बिष्ट जी का, ये पूछ रहे हैं मीठा खाना बंद करना पड़ेगा क्या? तो देखिए अभिनय जी, सोराइसिस में मीठा जो है वो क्या है ना, अगर आप मीठा लेते हैं तो आपका जो शुगर बढ़ जाता है, शुगर की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ती है, तो वो जो है ना इचिंग होती है, और जो है आपकी जो रैसेज होते हैं, जो पैचेस होते हैं, वो और एग्रावेट हो जाते हैं ज़्यादा मीठा यूज़ करने से। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बंद करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप जैसे मुझसे पूछते हैं कि चाय ले सकते हैं या नहीं ले सकते, चाय मीठी होती है, अगर आपने दिन में कुछ भी मीठा नहीं खाया है तो आप एक कप चाय ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन भर ही कुछ ना कुछ मीठा खा रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। दिन में कुछ भी आप थोड़ा बहुत मीठा ले सकते हैं, बहुत कम मात्रा में। तो अगर जिसका भी मीठे को लेके क्वेश्चन है कि मीठा सोराइसिस में खा सकते हैं या नहीं, अगर हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका काफ़ी मन करता है तो दिन में अगर आप चाय लेना चाहें तो चाय ले सकते हैं, नहीं तो कुछ और मीठा लेना चाहें तो एक टाइम आप कुछ थोड़ा बहुत मीठा ले सकते हैं। ऐसी कोई स्ट्रिक्ट इस पे जो है पाबंदी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है ये पूछ रहे हैं मयूरी जी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कौन कौन से प्राणायाम हमें करने हैं, मतलब योगा से रिलेटेड क्वेश्चन है, सोराइसिस में कौन सा योगा करना ठीक रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपकी बॉडी को जो है कोई प्रॉब्लम हो। आपको वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें जो आपको कोई बॉडी को के जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो सिंपल आपको क्या करना है, योगा में आपको कपालभाति करना है, कपालभाति अनुलोम विलोम करना है, ठीक है। और एक दो सिंपल एक्सरसाइज है, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। सिंपल आपको ये एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके पेट को आराम मिलेगा, और जो आपकी बॉडी ऑर्गेन्स है, पेट के आपके लीवर, आपका जो है ये सब चीज़ें, अंदर के जो पार्ट हैं आपके, वो सारी चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा, डाइजेशन सिस्टम आपका ठीक होगा अगर आप इस तरीके के योगा करते हैं। तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं आर टी रिपू जी पूछ रहे हैं, सर होम्योपैथिक मेडिसिन से मेरा धीरे धीरे कवर हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। होम्योपैथी मेडिसिन से बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी का होम्योपैथी भी सूट हो जाता है, किसी को जो है आयुर्वेदिक सूट हो जाता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट जो सोराइसिस में देखने को मिल रहे हैं वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से देखने को मिल रहे हैं। एलोपैथी ट्रीटमेंट का अभी तक मुझे कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला है जिसने मुझसे ये कहा हो कि मेरा पूरा रिकवर हो गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, होम्योपैथी में भी रिजल्ट देखने को मिल जाता है, और आयुर्वेद में सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं सोराइसिस में। इसके अलावा नीरज बंसल जी पूछ रहे हैं, सर सोराइसिस में बाथ नहाने के लिए कौन सा सोप यूज़ करें? तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि हम नहाते हैं, कई कई दिन हम जो है साबुन यूज़ नहीं करते, तो आपको कौन सा साबुन यूज़ करना है? देखिए, साबुन की जहाँ तक बात है, तो आप मैं अपना बताऊँ तो जब मुझे सोराइसिस था, मेरा जब ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं डव सोप यूज़ करता था, क्योंकि उसमें जो है ना, उसमें आपका कास्टिक वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और आपके जो है ना जो पैचेस को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होती, इचिंग को नहीं बढ़ाती, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करती है, जो डव सोप होती है। तो अगर आप नहाना चाहते हैं और उसमें सोप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डव साबुन को यूज़ कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको डेली डव साबुन से नहाना है, डव साबुन से भी आपको डेली नहीं नहाना है, आपको जो नहाना है हफ्ते में, अगर आप डेली नहाइएगा, हफ्ते में अगर आप साबुन यूज़ करना चाहते हैं, 2 से 3 बार आप डव साबुन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा खत्री गेमर यूट्यूब जी बात कर रहे हैं, भाई बात सही है, एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मुझे भी डॉक्टर ने यही बोला था कि ये कभी ठीक नहीं होगा। सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं, एलोपैथी में कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि ये जड़ से ठीक हो जाएगा,
क्योंकि उनका कंसेप्ट ही वही है, उनको पता है कि एलोपैथी में इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो वो किसी भी जो है ना किसी भी तरीके से इसकी गारंटी नहीं लेते हैं कि आपको सोराइसिस जो एलोपैथी में ठीक हो सकता है। उनको भी पता है कि एलोपैथी में ठीक होगा ही नहीं, इसलिए वो बोलते हैं कि आपको सोराइसिस कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एलोपैथी के बेस पे बात कर रहे हैं, वो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो उसी हिसाब से वो बात करते हैं। एलोपैथी में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, होम्योपैथी में जरूर रिजल्ट्स इसके देखने को मिल रहे हैं, सबसे अच्छी रिकवरी इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन में है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। इनका ही इन्होंने ही मुझसे कहा है, भाई मैं तो होम्योपैथी से ठीक हुआ, मुझे भी सोराइसिस हो गया, अभी 2 साल हो गए हैं, मैं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होम्योपैथी से भाई ठीक हो गए हैं, खत्री गेमर वाइटी हैं, इनको भी सोराइसिस था, ये होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक हो गए। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी को होम्योपैथी सूट हो गई तो उसका रिकवर हो गया, किसी को आयुर्वेदिक सूट हो गई तो उसको आयुर्वेदिक का जो है ना उसका सोराइसिस रिकवर हो गया। तो ये क्वेश्चन था, इसके अलावा जो है और हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, किसने कमेंट किया है हमारे पास, ये हमें पंकज एंड कीर्ति कुंडू ये हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, भाई दूध और चाय पी सकते हैं। देखिए दूध और चाय को हमें अवॉइड करना है सोराइसिस में, स्पेशली तब तक जब तक हमारा जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, उस दौरान उस पीरियड में हमें जो है चाय और दूध को अवॉइड करना है। फिर भी मैंने आपको बताया, जैसे अगर आपको मीठी चीज़ नहीं लेने तो दिन में आप 1 कप चाय ले सकते हैं, और या तो चाय ले लीजिएगा या दूध ले लीजिएगा। अगर आप दूध प्रेफर करते हैं तो दिन में 1 बार आप दूध ले सकते हैं, गाय का दूध, वो भी जो है ना डायल्यूट करके ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये अभिलाषा जी ने हमसे पूछा है, हाय सर मुझे भी 3 साल से सोराइसिस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभिलाषा जी, अगर आपको सोराइसिस है तो एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिएगा, उनसे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी जो है ना एक तला भुना और जो मसालेदार चीज़ें होती हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, जो मार्केट की चीज़ें होती हैं बाहर, जंक फूड फास्ट फूड, इनको अवॉइड कीजिएगा, इनको खाना बंद कर दीजिएगा। खट्टी चीज़ें हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं इनको आप बंद कर दीजिएगा, है ना। शुद्ध शाकाहार हरी सब्जियां इन पे आप आइएगा तो आपको खुद रिलीफ मिलेगा, प्लस जो आपके पैचेस हैं उन पे आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिएगा तो आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप खुद देखेंगे कि आपको रिलीफ हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि डाउट होते हैं लोगों के, कॉमन डाउट्स होते हैं, और काफ़ी लोगों के ये डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सही लगा हो। सही लगा हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।